एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, दिखाए कि PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज ग्रेटर देन PR प्लस SQ। ये चतुर्भुज है ना, इसमें कह रहा है PQ प्लस QR है ना, PQ प्लस QR और RS प्लस SP, RS और SP का जोड़ बड़ा होगा इसको जोड़ के बाद और इसको जोड़ने के बाद। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है PQR, बन रहा है ना। यस सर। तो पहले लेंगे तीन त्रिभुज, त्रिभुज PQR में है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। यस सर। इसके दो भुजा का जो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, yes, अभी हम पढ़ाए हैं, तो यानी PQ प्लस QR बड़ा होगा किससे, पी आर से बड़ा होगा ना। यस सर। पी आर है ना, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ना। यस सर। इक्वेशन वन मान लेंगे। ठीक है, फिर त्रिभुज अब हम ले लेते हैं ये पी आर एस में है ना। yes, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एस पी आर त्रिभुज एस पी आर में है ना। yes, इसमें क्या होगा, इसमें भी दो भुजा का योग किसी भुजा से बड़ा होगा, यानी एस पी और एस आर है ना। यस सर। आर एस और एस पी, आर एस और एस पी का योग बड़ा होगा किससे, ये पी आर से बड़ा होगा ना। यस सर। ये क्या है, एस क्यू है ना, तो ये और हम लेंगे त्रिभुज एस पी क्यू, त्रिभुज एस पी क्यू लेते हैं ना, ताकि हमको जो प्रूफ करना है वो मिले। इसमें क्या होगा, आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी है ना, किससे बड़ा होना चाहिए, एस पी आर। ठीक है, किससे बड़ा होगा, पी आर। पी आर एक ले चुके हैं हम, ये लिए हैं एस क्यू, यहाँ पे लिखेंगे एस क्यू से बड़ा होगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। यस सर। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करेंगे कितना हो जाएगा, तो दोनों लेफ्ट साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला अलग अलग जुड़ जाएगा, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर मतलब दोनों को लेफ्ट एक साथ जुड़ेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी जुड़ेगा ना। आइए इसके साथ जुड़ेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिखेंगे, पी आर प्लस एस क्यू, पी आर प्लस एस क्यू यहाँ पे है ना, ये हमारा बराबर आ गया। अब इधर देखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी दोनों, yes, दोनों क्या हो रहा, बराबर हो गया ना। yes, हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। yes, क्या हुआ, प्रूफ हुआ है ना, दिखा दिया, दिखा रहे ना, समझ में आया। ये दोनों त्रिभुज से बनाए, अलग अलग त्रिभुज दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो क्या हुआ, हमारा इसके बराबर आ गया। yes, समझ में आया है। yes, कोई है जो जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए।